हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों यह है यूलांजी का ST03। ये एक कोल्ड शू माउंट है स्मार्टफोन के लिए। तो चलिए करते हैं इस स्मार्टफोन माउंट को अनबॉक्स, देखते हैं इसके फीचर्स को, डिज़ाइन को, लुक को, और फाइनली ये भी देखते हैं कि क्या इस माउंट को लेना सही है। मैं हूं डॉक्टर भुवेश और आप देख रहे हैं BCDTech यूट्यूब चैनल को। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक BCDTech को सब्सक्राइब नहीं किया तो अपने यूट्यूब ऐप पर सर्च करें BCDTech और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। दोस्तों, मार्केट में आपको कुछ इस टाइप के माउंट भी मिल जाएंगे स्मार्टफोन के लिए, नहीं तो कुछ आप इस टाइप के भी माउंट ले सकते हो। एक स्प्रिंग लोडेड माउंट को तो मैं मना करूंगा, क्योंकि दोस्तों ये समय के साथ खराब हो जाते हैं, स्टेबल नहीं बने रहते हैं। तो अगर आपको कभी भी लेना है तो आप कुछ इस टाइप के माउंट लीजिए जो कि स्प्रिंग लोडेड ना हो, स्क्रू की पिच पर काम कर रहा हो। जैसे कि अगर आप देखोगे तो मैं इस माउंट में अपने स्मार्टफोन को काफ़ी सिक्योरली अटैच कर सकता हूं और यहां पर अपने हिसाब से उसको टाइट भी कर सकता हूं। तो इस टाइप के माउंट्स काफ़ी रिलायबल होते हैं, काफ़ी लंबे समय तक वर्क करते हैं। तो अगर आप ले रहे हो तो इस टाइप का लें। जबकि दोस्तों अगर बात कर रहे हैं यूलांजी के इस ST03 की, ये भी कुछ इस टाइप का माउंट है, बट इसमें कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स हैं, जैसे कि आप इसमें स्मार्टफोन के साथ साथ अपने लाइट को, अपने माइक को अटैच कर सकते हो। तो ये कुछ इस टाइप के पैकिंग में आता है। आगे की साइड को माउंट दिख रहा है, ये काफ़ी कॉम्पैक्ट माउंट है, फोल्डेबल माउंट है। इसको आप अपने साथ कहीं पर भी कैरी कर सकते हो, इवन पॉकेट में भी कैरी कर सकते हो। ये यूलांजी का ST03 है, मेटल एल्युमिनियम अलॉय, CNC मेड, यहाँ लिखा हुआ है पॉकेट फोन ट्राइपॉड माउंट, यहाँ पर लिखा हुआ है। पीछे की साइड को इसका एक लेआउट बता रखा है कैसे ये अटैच हो जाता है। आप इसको ऊपर लाइट को या फिर माइक को अटैच कर सकते हो। और ये कोल्ड शू माउंट है, मतलब कि इसमें कोई भी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, मेड इन चाइना प्रोडक्ट है। कहाँ ये बना हुआ है, किसने इसको इंपोर्ट करवाया, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो चलिए करते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पर बॉक्स में है सिर्फ एक माउंट। तो यह है यूलांजी का ST03। ये फ्लेक्सिबल माउंट है, मतलब कि आप इसके जो आर्म्स हैं उनको बंद कर सकते हो। प्योर मेटलिक फिनिश है, स्मार्टफोन की प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर रबड़ के पैड्स दे रखे हैं। नीचे की साइड को 1/4 इंच का थ्रेड है, जिसके थ्रू आप इसको किसी भी 1/4 इंच वाले ट्राईपोड के ऊपर, अडेप्टर के ऊपर माउंट कर सकते हो। और साथ ही में आपको यहाँ पर ग्रूव्स भी मिल जाएंगे, जिसके थ्रू आप इसको डायरेक्टली ट्राईपोड अडेप्टर के बदले डायरेक्टली ट्राईपोड के ऊपर अटैच कर सकते हो। मैन फोटो ट्राईपोड के कंपेटेबल है। आप स्क्रू को टाइट करके, ढीला करके इस माउंट को ओपन या फिर क्लोज कर सकते हो। आइए मैं आपको स्मार्टफोन को लगा कर दिखा देता हूँ। तो ये जो स्मार्टफोन है, ये कुछ स्टेप से इसके अंदर फिट हो जाता है, बिल्कुल वैसा ही मैकेनिज्म है जैसे कि आपने यहाँ पर देखा था। तो ये भी काफ़ी सिक्योर्ड है एज़ कम्पेयर टू दिस वन। ये ज़्यादा स्टेबल है, ज़्यादा स्ट्रांग है। और सबसे अच्छी बात दोस्तों कि इसके ऊपर आपको एक कोल्ड शू माउंट भी मिल जाएगा, मतलब कि आप अपनी लाइट को, अपने माइक को अटैच कर सकते हो। ये इसका फ़ायदा है कि आप स्मार्टफोन के साथ साथ अपनी लाइट को भी अटैच कर सकते हो, अपने माइक को भी अटैच कर सकते हो। और अगर आपके पास कुछ इस टाइप का अडेप्टर है तो आप मल्टीपल डिवाइसेस को डायरेक्टली स्मार्टफोन के ऊपर अटैच कर सकते हो। तो काफ़ी बढ़िया ये स्मार्टफोन माउंट है, मैं तो दोस्तों इसको रेकमेंड करूँगा। बाकी आप बताइए कि आपको ये प्रोडक्ट कैसा लगा। अगर आप इस प्रोडक्ट को लेना चाहते हो, मंगवाना चाहते हो, तो इसका जो परचेजिंग लिंक है मैं आपको वीडियो के नीचे दे दूँगा, आप वहाँ से इस प्रोडक्ट को ले सकते हो। तो ये है यूलांजी का ST03, जो कि मेरी नज़र में काफ़ी बढ़िया और कॉम्पैक्ट स्मार्टफोन अडेप्टर है। तो मैं आप इसी के साथ इस वीडियो एपिसोड को यहीं पर समाप्त करने जा रहा हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आए। अगर पसंद आती है तो लाइक तो बनता है, शेयर भी कर देना ताकि और लोग भी इस अडेप्टर के बारे में, इस माउंट के बारे में जान पाएँ। नमस्कार।